According to Wikipedia, the vacuum of a space is full of negative energy. देखो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि भूत या गोस्ट या आत्मा होते हैं, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप गॉड पे बिलीव करते हो तो मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस का आंसर होगा यस, एंड वेरी फ्यू पीपल कहेंगे कि मैं गॉड को नहीं मानता, मैं साइंस पे बिलीव करता हूँ। अब गॉड होते हैं या नहीं ये बिल्कुल ही अलग टॉपिक है, बट अगर मैं साइंस की बात करूँ तो साइंस एनर्जी पे बिलीव करती है। आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ये स्टेटमेंट तो सुना ही होगा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जिस तरह गॉड, जिन्हें अगर मैं फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी कहूँ तो इसमें कोई भी बुराई नहीं होगी, अगर पॉजिटिव एनर्जी होती है तो नेगेटिव एनर्जी भी है, नहीं तो ये यूनिवर्स बैलेंस नहीं हो पाता। ये सोचने वाली बात है। इस वर्ल्ड में कई सारे ऐसे ऐसे मिस्टीरियस इवेंट्स हुए हैं जिसे साइंस भी प्रूफ नहीं कर पाई है। आप अगर भूत में बिलीव करते हो तो ठीक है, एंड अगर नहीं करते तो इस वीडियो के बाद आपके विचार बदल जाएंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मिस्टीरियस आइलैंड के बारे में बताऊंगा, और हाँ ये बिल्कुल रियल है। मैं कुछ भी अपने तरफ से बढ़ा चढ़ा के नहीं बताऊंगा। आप इसके बारे में गूगल पे सर्च कर सकते हो, विकिपीडिया, दैनिक भास्कर जैसे पॉपुलर वेबसाइट्स पे इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। द आइलैंड ऑफ द डॉल्स। अगर आप इस आइलैंड पे जाओगे तो यहाँ हजारों की मात्रा में आपको हर तरफ डॉल्स दिखाई देंगी। डॉन जूलियन सैंटाना बरेरा इस कैनाल के केयर टेकर थे। वो इस जगह अकेले रहते थे। उनकी मौत के बाद ये आइलैंड लोगों के लिए हॉन्टेड जगह बन गई। बताया जाता है कि जूलियन को एक बच्ची की तैरती हुई डेड बॉडी मिली थी, और उस बच्चे की बॉडी के पास एक डॉल भी मिली। जूलियन ने उस बच्चे का फ्यूनरल किया, एंड डॉल को एज अ रेस्पेक्ट देने के लिए उसने उसे एक पेड़ पर लटका दिया। इस इंसिडेंट के बाद से जूलियन को रात में अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। रात होते ही जूलियन को घबराहट होने लगता। उसके रूम के लाइट अपने आप ऑन एंड ऑफ होने लगते। जूलियन बड़ा अजीब सा बिहेवियर करने लगा था, जैसे वो डेली कई सारे डॉल्स पेड़ों पर लगाने लगता था। जब लोग डॉल्स के बारे में पूछते तो जूलियन जवाब देता कि ये सब मुझसे वो बच्ची करा रही है। फिर एक दिन जूलियन की डेड बॉडी वहीं पर मिली जहां उस बच्ची की बॉडी मिली थी। तब से यहां पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगती हैं, और वहां के लोग कहते हैं कि उन डॉल्स के अंदर बुरी आत्माओं का कंट्रोल है, एंड उस कैनाल में जो भी जाता है वो डॉल्स उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उसका भी वही हाल करती हैं जो जूलियन के साथ किया था। और इसी तरह उस कैनाल को डॉल्स ने अपनी दुनिया बना ली। आज के लिए बस इतना ही। अगर ऐसे और भी वीडियोस चाहिए तो डू कमेंट डाउन। मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।